द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x + 21y इज इक्वल टू के क्वाइनसाइट इज। बेटा अब हमें दो इक्वेशन जो कि किस फॉर्म में है, a1x + b1y इज इक्वल टू c1, a2x + b2y इज इक्वल टू c2, उनकी क्वाइनसाइडिंग लाइंस तभी होंगी, क्वाइनसाइडिंग लाइंस मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तभी होंगे जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो। तो अब ये कंडीशंस हो तभी ये क्वाइनसाइडिंग लाइन होंगे। तो अब हम इस कंडीशन में वैल्यू डालते हैं। इधर हमारे पास a1 क्या है, x का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन विच इज 5 एंड a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन विच इज 15 इज इक्वल टू b1 कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन 7 एंड b2 कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन 21। c1 विल बी द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 1 विच इज 3 एंड c2 विल बी द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन विच इज k, जो कि k है। अब और इसमें हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की, वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ k अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। 7/21 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × k 7k इज इक्वल टू 21 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, और इस वे में लिखना है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, के विल बी इक्वल्स टू 21 × 3/7। सो कैंसलिंग 7 × 7 7 × 3 = 21, सो के इज इक्वल टू 9। सो ऑप्शन ए, 9 इज अवर आंसर।